Today I am going to teach you science chapter 2 microorganism means सूक्ष्म जीव। अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे जीव होते हैं जिसमें से कुछ तो दिखाई पड़ते हैं कुछ नहीं दिखाई पड़ते। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना होता है तो उन्हीं जीवों को जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिस इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसी को माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अभी चलते हैं डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डिस्कवरी क्या है? तो जब से माइक्रोस्कोप बना जिसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बनाकर तैयार किया था तभी से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में जो स्टडी हो गया वो काफी तेज हो गई। उन्होंने क्या किया स्लाइस ऑफ बर्क ले करके उसकी जब जांच की उसमें देखे कि हनीकम की तरह कुछ स्ट्रक्चर पाए जिसको उन्होंने सेल का नाम दे दिया। बाद में एंटोन वॉन लियोन हुक नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक छोटा लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। एंटोन वॉन लियोन हुक ने 1672 में छोटा बट पावरफुल माइक्रोस्कोप का निर्माण किया जिसका मैग्निफिकेशन पावर 270 मल्टीपल था। और इन्हें यह फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी ही तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो उनके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट है हैबिटेट, उनका आवास क्या है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं, किसी भी प्रकार के हैबिटेट में वो रह सकते हैं। कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो, सिल्की हो या फिर मर्सी हो, किसी भी तरह का कंडीशन हो वो रह सकते हैं। अब बात आता है इनके साइज के, तो ये अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ के साइज बहुत छोटे हैं होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल सेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कई से मिल करके बने होते हैं। एडाप्टिव फीचर्स की बात किया जाए तो एडाप्टिव फीचर्स में जहां पर इनको रहने का कंडीशन नहीं हो पाता है या फिर टेम्परेचर बहुत हाई हुआ या फिर टेम्परेचर बहुत लो हो गया तो इनके आउटर पे एक कवर बन जाता है, इनके आउटर लेयर पे एक कवर बन जाता है। और वो कवर तब तक लगा होता है जब तक कि इनका जो फेवरेबल टेम्परेचर ना आ जाए तब तक इनके ऊपर एक कवर बना हुआ होता है। और जो ही इनका फेवरेबल टेम्परेचर आ गया, उसके अनुकूल टेम्परेचर आ गया, वही जो कवर होता है वो टूट जाता है और फिर से अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी अभी बताए हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं साइज शेप में बहुत ही अलग अलग होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। तो कुछ मेजर टाइप्स हैं जिसमें सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, सेकंड में आता है फंगी, थर्ड में आता है प्रोटोजोआ, फोर्थ में आता है अलगाई एंड फिफ्थ जो आता है वो है वायरसेस। तो इस क्लास में हम डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। थैंक यू।